बैटिंग से शुरू करते हैं, बैटिंग क्या हो गई पाकिस्तान की? देखें सर, थोड़ा सा मुझे समझ ये नहीं आ रहा है जो आप लेके गए हैं, जिस माइंडसेट से लेके गए हैं आप टीम को, स्पेशली आपने बोला हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखें, रिस्पेक्ट फरहान साहबजादा को जो उन्होंने नंबर दिया है वो उसका नंबर नहीं है। हाँ, वो पर खेलते सही है। हाँ। विद रिस्पेक्ट आप रिजवान को बोलते आप रेस्ट कर लो। हाँ। हम ऑलरेडी सीरीज हार चुके हैं, आप टीम के रेगुलर मेंबर हो, हमें कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं। बकौल इनके कि हम वर्ल्ड कप देखते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इनको चाहिए था साहिबजादा फरहान को, वो ओपनर एज ए परफॉर्म करके आया ना, आप उसको ओपनर खिलाते साइम के साथ। रन होना ना होना एक अलग चैप्टर है, मगर अभी एक ये चीज है जो हमें लग रही है, सोचें उसको कितनी लग रही है कि मैं एक तो बकौल दो तीन साल के बाद मौका, साढ़े पांच साल के बाद, पांच साल के बाद मौका मिला और हजारों रन करके आ रहा है वो। हाँ। सही है, और उसको मौका किस तरह, पांचवें छठे पे आया वो, अब वो किस तरह जस्टिफाई करेगा अपने आप को और आपको, एक मिसाल है। दूसरी बात ये सर, फिर वही नवाज आप देख लें, उनका उनका सेगनर खेलने नहीं दे रहा। आपका जब स्पिनर आता है विद रिस्पेक्ट सर, वो उस पर रन बनाते हैं, रन बनाने का मकसद ये, वो आपकी बॉलिंग का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये नवाज कब आएगा, ये शिकार कब आएगा, ये इनका लूप होल है। हाँ। ये जब आएंगे तो इसके ऊपर हमारा बोर्ड चलेगा। चार ओवर में 41 रन दिए, यही में, और ये सर ने चार में 24 दिए, ये पहला मैच नहीं है सर। हाँ। आप चारों मैच उठा के देख ले, चारों पे स्पिनर पे उन्होंने बाउंड्री शुरू करी है। और एक और चीज सर, हारिस रऊफ पे मुझे ऐसा लग रहा है मुस्तकिल बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसकी जो एक वैल्यू है ना, बोलते हैं हर प्लेयर की एक वैल्यू होती है, वो उसको खुद को भी कम लग रही है मुझे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर फरहान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा सर, मैं एक तो आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा फॉलो करता हूँ और आपका बड़ा जबरदस्त जानदार तजिया होता है सर, पूरा मंजूर भी बड़ा बेहतरीन तजिया देते हैं। शुक्रिया। और आपके स्टैट्स से तो हम हमेशा से इंटरेस्ट रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्टैट्स बड़ी स्पिक एंड स्पैन होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दो तीन ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। एक तो यही, अभी सर पूरा मंजूर ने बड़ा बेहतरीन पॉइंट रेज किया, साहबजादा फरहान को हमने चार से पांच साल बाद आज 2018 के बाद उसने दोबारा मैच खेला है और नंबर जो उसको दिया वो उसका नंबर ही नहीं था, सही आते हिटिंग करनी थी, वो बेचारा विकेट दे बैठा। और दूसरा सर, मुझे ये फखर का बताएं सर, फखर ने 15 गेंदें खेली हैं, उसके 9 स्कोर किया है, 15 में से 14 भी 14 गेंदों पे लगा कि अब विकेट गई तो अब विकेट गई। इज द सीनियर मेंबर, उसको कम अज कम ये पता होना चाहिए कि बाबर आउट हो गया है तो मैंने रुकना है रिजवान के साथ, मतलब वो उसकी विकेट अब 5-6 मैचों के बाद फखर चलेगा तो वो हमारी टीम को कोई फायदा नहीं होगा सर। सही। और तीसरी चीज बताएं डॉक्टर साहब। सर तीसरी चीज मेरी ये है कि सर आई थिंक नवाज का टाइम पूरा हो गया सर। फिर वो घूम फिर कर आ जाता है, कोई अनफिट होता है तो नवाज फिट हो जाता है। नहीं नहीं सर, सर देखिए एक बॉलर की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, नवाज जब बॉलिंग कराने आता है ना उसकी आंखों में डर नजर आ रहा होता है कि बस मैं किसी तरह 6-7 स्कोर दे के ओवर निकाल दूं। बैट्समैन बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है सर, विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहेगा। ठीक है डॉक्टर, गुड स्पिनर जी सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर फरहान थे लाहौर से। और उनकी ऑब्जर्वेशन आप देखें बड़ी जबरदस्त है। देखिए मैंने बोला ना, आज आज पब्लिक जो है ना देखती है और बड़ा सीरियस मैच देखती है, आप मोबाइल पे आप देख सकते हैं, ऐप हो गई है बहुत सारी, टीवी पे देख रहे होते हैं, रेडियो पे चल, मतलब दिलचस्पी है तो देखे ना, पाकिस्तान का मैच है, मगर इन दी एंड वही वाली उन्होंने वही पॉइंट रेस किए जो मैंने आपको बताया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर विद रिस्पेक्ट आप खत्म, पहली बात तो डॉक्टर साहब माजरत के साथ, खत्म कुछ नहीं होता, आपकी फॉर्म इनफॉर्म आउट फॉर्म होता है, आपको अभी फॉर्म में वापस आना है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी जो बेसिक है, इनको डोमेस्टिक भेजें, उनको बोलो खेलता डोमेस्टिक सर, फोर्स नहीं का है ना। अगर नहीं खेल रहा आपकी सिलेक्शन डोमेस्टिक में, अगर आप बेस्ट बॉलर नहीं बनेंगे तो नहीं होगी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगी। फरहान साहबजादा आया ना, दो तीन टूर्नामेंट हुए, दो का बेस्ट बैट्समैन बनाया, तब जाके वो सिलेक्ट हुआ और सातवें नंबर पे खेला, उस गरीब के साथ ज्यादती है। दूसरी बात ये सर, देखें अच्छी चीज है हम सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर आप रिजवान को बाबर को बात करके बिठा सकते हैं भाई, सीरीज तो आप हार गए, सीरीज हार गए थे ना, दो मैच आप, ये दो मैच यंग लॉट से चले जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिल हो जाता व्हाइट वॉल तो फिर अपनी नौकरी कैसे बचाते हैं? वर्ल्ड कप को देख रहे हैं ना, आप खुद मुंह से बोले, यहाँ तो आप बोला हम इसी, मैंने आपको याद होगा टेस्ट सीरीज में एक लफ्ज कहे थे जो लोगों ने मुझे बहुत बोला भी, मगर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सच बोला, क्या बोला कि वो खेल रहे थे टेस्ट चैंपियनशिप के लिए और हम खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर। हाँ, सही है, ये जमीन आसमान का फर्क है, ये खत्म कैसे होगा?
इसमें कौन सर्वाइव करेगा, क्योंकि वो वहां जाके परफॉर्म सिर्फ मेंटली टफ बंदा करता है। आज उन्होंने वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से हराया तीसरे दिन। यही मैं बोल रहा हूँ, यही नहीं बोल रहा कि वो अनप्लेबल लोग हैं, नहीं, आप जाहिर सी बात है दो टीमें खेलती एक जीतती हारती, मगर आप उसका अटैक भी तो करते हैं ना, जिसने अटैक किया हमारी तरफ से कामयाब हुआ। तो कहने का मकसद ये, अभी आप न्यूजीलैंड के दो मैच बाकी थे ना आज का मिला के, आज आप रिजवान को बाबर को रिक्वेस्ट करते आप रेस्ट कर लें, हम नए लड़कों से जाना चाहते, वो मना नहीं करते, वो बड़े प्लेयर है, उनका एक लेवल है, और दूसरी बात कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जगह तो पक्की है। देखें आज रिजवान ने 90 किए, वेरी वेल प्लेड, हम मैच हार गए, मगर इन द एंड क्या हुआ, एक के साथ क्या हुआ, ज्यादती हो गई, फरहान साहब ज्यादा, फरहान जी वो तो सातवें नंबर पे गया, ये बाकी ज्यादती है उसके साथ, इसी तरह और भी प्लेयर है। अब फकर जो है उनका बनता है हर मैच में, अगर आप 10 मैच के बाद एक इनिंग खेलेंगे ये ज्यादती है। यही डॉक्टर फरहान कह रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल कदीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अब्दुल कदीर साहब क्या कहेंगे? जी बस मैं यही कह रहा हूँ कि जवाल आगे आएगा जब तक जो है सिफारशी भर्ती होते रहेंगे तो तब तक यही पोजीशन रहेगी। अब वहाब रियाज का चीफ सिलेक्टर जो होना क्या तुक है, वो डिजर्व करती ऐसी परफॉर्मेंस है, किसी भी कहती है वो डिजर्व करते थे, बहुत काबिल आदमी। नहीं क्या डिजर्व करते थे, वो मोहसिन नकवी का लाडला है, उसको पहले चले स्पोर्ट्स का जनाब अली वो बनाया। वो अब दोनों कैप्टन, और क्या कहना चाहेंगे आप जी? बस यही है, मैं तो कहता हूँ वहाब को रियाज को निकालेंगे तो शायद सारे काम सही होते जाए, शायद इस्तीफा दे दे वो खुद। थैंक यू वेरी मच। शायद वो खुद इस्तीफा दे दें। वहाब रियाज की बात कर रहे थे, खुर्रम क्या कहेंगे आप? सर ये तो खैर बोर्ड का डिसीजन है, उन्होंने कुछ चेंज करना चाहा के अभी बोर्ड तो खुद अभी वेंटिलेटर पर है, पता है आपको? सर देखें पाकिस्तान खुद आप देखें किस सिचुएशन में चल रहा है, अभी इलेक्शन सर पे 10 चीजें, तो मैं उस चीज पे बात नहीं करूंगा कि वहाब की सिलेक्शन सही हुई या वो सिलेक्टर गलत बना। सिलेक्शन सही होती तो कोई तो जीते नहीं। एक बात बताएं मुझे इकबाल भाई, अभी जो टीम गई पहली दफा इतना लड़का डोमेस्टिक का परफॉर्मर टीम के साथ गया, आप मुझे बताते किस सिलेक्टर ने दिया? तो यानी कि बहुत अच्छा काम किया। नहीं मेरे को, मुझे पर्सनली पूछे ना अगर, तो आप समझते टीम सही सिलेक्ट हुई? नहीं नहीं नहीं, देखिए सारी सिलेक्ट सही नहीं यार, इतने टैलेंटेड लड़के नहीं, नहीं सारे सिलेक्ट सही नहीं हुई है। मैं ये बोल रहा हूँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी, आप मुझे बताएं छह लड़के वो जो मैं आपको बता दूं खिलाया जो रिस्पेक्ट दी, यही तो बोल रहा। अब ये तो मैनेजमेंट का काम है ना, ये तो कप्तान करेगा ना, कप्तान सीरीज बचाने जा रहा भाई, दो हार गए तीन हार गए, आप हार गए थे सीरीज, आप अगले दो में तो खिलाओ। अब हसीबुल्ला आखिरी मैच खेलेगा, अब वो सूली की पर लटका होगा, मेरा डेब्यू भी है, मुझे रन भी करने, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, अब वो भी ओपनर है ये भी सुन ले, अब वो कहाँ खेलेगा? तो फिर ये टीम सिलेक्शन के सर, ये मैंने अच्छा यही मैंने ये पहले दिन पांच ओपनर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान फखर जमान, अब आप बात सुने, आप वही आ गए, याद होगा हमने इस सीरीज के पहले मैच में यही चीज डिस्कस की, सिलेक्शन अच्छी हुई, चार से पांच ओपनर एक टीम में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप बाबर रिजवान से रिक्वेस्ट करके बात कर सकते थे भाई कि आप हमारी सीरीज में हमारे लिए वैल्यूएबल है, मगर आप रेस्ट कर लें, हम चार नए लड़के लेके जा रहे हैं जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। इस पर हम बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर मौजूद है और आप लोगों की टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा।